समाजशास्त्र में प्रस्तुति और भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। स्टेटस एंड रोल। प्रस्तुति वह सामाजिक पद है जो व्यक्तिगत गुण सामाजिक सेवा से पृथक व्यक्ति की आदर प्रतिष्ठा तथा प्रभाव की मात्रा का निर्धारण कर मेकावेर पेज ने कहा। प्रस्तुति वह सामाजिक पद है जो व्यक्तिगत गुण और सामाजिक सेवा से पृथक व्यक्ति के आधार प्रतिष्ठा तथा प्रभाव की मात्रा का निर्धारण करते हैं। किसकी मात्रा का निर्धारण करते हैं, कौन सी मात्रा का निर्धारण करते हैं? व्यक्ति के आधार प्रतिष्ठा तथा प्रभाव की मात्रा का निर्धारण करते हैं। व्यक्तिगत और सामाजिक सेवा से पृथक जो गुण है वह व्यक्ति के आधार प्रतिष्ठा प्रभाव की मात्रा का निर्धारण करने वाले को मेकावेर पेज ने क्या प्रस्तुति बताया है। प्रस्तुति के अनुकूल भूमिका के निर्वाह की स्थिति को संतुलन कहते हैं। संतुलन किसे कहते हैं? प्रस्तुति के अनुकूल भूमिका के निर्वाह की स्थिति को कहते हैं। जो हमारी प्रस्तुति है उसके अनुकूल भूमिका का हम निर्वाह करते हैं तो वह स्थिति संतुलन कहलाती है। प्रस्तुति के अनुकूल भूमिका का निर्वाहन। प्रत्येक व्यक्ति की समाज में एक साथ अनेक प्रस्तुतियाँ होती हैं लेकिन किसी एक ही प्रस्तुति समाज उसे जानता है। अनेक परिस्थितियाँ होती है लेकिन समाज में प्रतिष्ठा एक ही परिस्थिति से होती है। समाज में प्रत्येक परिस्थिति की एक प्रतिष्ठा होती है। प्रतिष्ठा का संबंध व्यक्ति से नहीं बल्कि उसकी परिस्थिति से है। जो उसका पद है उसकी परिस्थिति है उससे ही समाज में प्रतिष्ठा है न कि व्यक्ति से। सम्मान का संबंध किसी भी परिस्थिति को धारण करने वाले व्यक्ति की कार्यकुशलता क्षमता दक्षता विशेषता कर्तव्यपरायणता एवं सफलता से होता है। सम्मान किन चीज़ों से मिलता है हम सबको मालूम है। या तो वो कार्यकुशल होगा उसकी क्षमता अच्छी होगी व्यक्ति दक्ष होगा या उसमें कोई विशेषता होगी तो उसे सम्मान मिलेगा। यदि वो कर्तव्यपरायण है तो भी लोग सम्मान करेंगे। भारतीय समाज में तो कर्तव्यपरायण के बहुत ही सम्मान। अगर कोई व्यक्ति सफल होता है तो उसका सम्मान होना निश्चित है। बचपन से ही नगर पालिका में 26 जनवरी को सफल बच्चों को इनाम दिया जाता है। सफल व्यक्ति का शुरू से ही सम्मान होता है। प्रस्तुति का संबंध सत्ता और शक्ति से भी है। सत्ता और शक्ति भी प्रस्तुति का निर्धारण करती हैं। स्तर का संबंध एक ही प्रकार के स्थिति संकुल स्टेशन को प्राप्त करने वाले विभिन्न व्यक्तियों से। स्तर स्टर्टम का संबंध एक ही प्रकार के स्थिति संकुल को प्राप्त करने वाले विभिन्न व्यक्तियों से है। एक ही प्रकार के स्थिति संकुल को प्राप्त करने वाले विभिन्न व्यक्तियों से। प्रस्तुति प्रतीक स्टेटस सिंबल कुछ प्रतीकों के आधार पर किसी व्यक्ति की परिस्थिति को पहचाना। प्रतीक के आधार पर व्यक्ति की परिस्थिति को पहचाना जाता है। मुख्य प्रस्तुति की स्टेटस की अवधारणा का किसने दी है? एक प्रसिद्ध समाजशास्त्र ईटी हीलर ने दी है। प्रमुख परिस्थिति वह है जो दूसरी परिस्थितियों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण एवं अग्रणी है। इसकी अवधारणा किसने दी थी? ईटी हीलर ने दी। मुख्य परिस्थिति भारत में जाति व्यक्ति की मुख्य परिस्थिति को निर्धारण करती है। कास्ट अर्थात जाति भारत में उसकी परिस्थिति को निर्धारण करने वाली मुख्य परिस्थिति है। 1936 में राल्फ लिंटन ने परिस्थितियों को दो प्रमुख भागों प्रदत्त स्क्राइब्ड और अर्जित अचीव्ड में विभाजित किया था। प्रदत्त और अर्जित में किसने किया? राल्फ लिंटन ने। कौन से सन में? 1936। प्रदत्त परिस्थिति स्क्राइब्ड स्टेटस। प्रदत्त परिस्थिति वह होती है जो व्यक्ति को बिना उसकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए प्रदान की जाती है। इसका निर्धारण उसके जन्म के समय हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति का किसी जाति में जन्म हुआ तो वह उसकी प्रदत्त परिस्थिति है। राल्फ लिंटन ने ऐसा कहा था। भारतीय समाज में व्यक्ति को परिस्थिति प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण आधार जाति व्यवस्था है। भूमिका शब्द का प्रयोग किसी परिस्थिति से संबंधित सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता के लिए किया जाता है। भूमिका शब्द अर्थात रोल शब्द का प्रयोग किसी परिस्थिति से संबंधित सामाजिक प्रतिमान की समग्रता के लिए किया जाता है। सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता के लिए भूमिका शब्द का प्रयोग किसी परिस्थिति से संबंधित सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता के लिए किया जाता है। अपनी परिस्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने के वास्तविक तरीकों को भूमिका कहते हैं। किंग्सले डेविस ने क्या कहा? अपनी परिस्थिति की आवश्यकताओं को पूरा
करने के लिए वास्तविक तरीकों को भूमिका कहते हैं। आवश्यकताओं को पूरा करने के वास्तविक तरीके क्या कहलाते हैं? भूमिका कहलाते हैं। अपनी परिस्थिति, आपकी परिस्थिति की आवश्यकता जो भी है उसको पूरा करने के लिए जो भी तरीके आप अपनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? भूमिका। जॉनसन के अनुसार किसी स्थिति में अपेक्षित कार्य करने वाले व्यक्ति को कार्य अधियोक्त रोल और कॉप आउट कहते हैं। सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। सामाजिक प्रक्रियाएं सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण पक्ष हैं। सामाजिक संरचना क्या है? अमूर्त है। सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना में स्थिरता होती है। सामाजिक संगठन और विघटन दो प्रक्रियाएं हैं। सामाजिक नियंत्रण के भंग होने को सामाजिक विघटन कहते हैं। जहाँ प्रतिमान नहीं वहाँ समाज भी नहीं, ऐसा कौन कह रहा है? रॉबर्ट बी स्ट्रीट। प्रतिमानहीन समाज अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। आज के लिए इतना ही।